पर अविनाश जी, आपका कन्विक्शन कितना मजबूत हो गया है? 19,800 फिर से आ गया. हम 18,900-18,800 की बात कर रहे थे, तो वहां से छोटे छोटे झटके बीच में जरूर लगे हों, और ये तो बाजार का हम कह सकते हैं कि ये दस्तूर भी होता है. अब कितना आपका कन्विक्शन है, क्योंकि 20,000 का आंकड़ा अब यहां से बहुत दूर नहीं है, बमुश्किल 1 से 1.5% का फर्क रह गया. 20,000 तो एक सिर्फ एक नंबर है अभिषेक. पहली बात तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो 20,000 का लेवल है वो आने में कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक आराम से आ सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बड़ा इवेंट है वो इलेक्शन का इवेंट है. मेरे ख्याल से 3 दिसंबर के बाद मार्केट को एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड मिलेगा. अगर होपफुली ये 5 स्टेट इलेक्शंस में जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है उसको अच्छी खासी विक्ट्री मिलती है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर आएगा. हालांकि देखिए आज भी मेरे ख्याल से सुबह से बाइंग हो रही है, लेकिन अभी भी हम कल का भी सत्र अगर देखें तो कल FIIs के फ्लोज वापस नेगेटिव थे. तो लिक्विडिटी मेरे ख्याल से ज्यादातर डोमेस्टिक फंड्स HNIs यही ड्राइव कर रहे हैं. तो इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा इसको इंट्रोस्पेक्ट करके थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे. जहां पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, नतीजे Q2 के अच्छे हैं, वहां पे डेफिनेटली आपको काफी मौके मिलेंगे. लार्ज कैप में भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे मौके आपको मिलेंगे. मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत मार्केट इस लेवल से थोड़ा करेक्ट होता है, इस लेवल पे क्लियरली अगर आप मुझे पूछे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है. मार्केट बहुत ही छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुके हैं. सेंटिमेंटली देखिए मार्केट अच्छा है, लेकिन ऑपरेशनली अगर इलेक्शन में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि आपको निचले लेवल पे खरीदने के मौके मिलेंगे. तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड होल्ड थोड़ा सा समय. मेरे ख्याल से एक 8-10 दिनों की बात है, उसके बाद नतीजे भी आएंगे. तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमको पसंद है वहां पे रियल एस्टेट है, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट है. यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है तो यहाँ पे फिर एक्युमुलेट करने की मैं चेष्टा करूंगा. अभी फिलहाल जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो होल्ड करे. फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से इस लेवल से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, कॉशियस लग रहा है. और मेरे ख्याल से इलेक्शंस के पहले का माहौल जो है वो ये बता रहा है कि इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा. क्लियर डिसीजन अगर वर्डिक्ट बीजेपी के फेवर में आता है तो ही मार्केट्स में एक बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी.